सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर की आपने तस्वीर देखी, अब दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल आपको लिए चलते हैं। यहाँ पर भी एक भी बेड खाली नहीं है। नतीजा ये कि कोरोना के मरीज अस्पताल के बाहर ही छटपटा रहे हैं। हमारे सहयोगी सुमित कुमार ने यहाँ से जो रिपोर्ट तैयार की वो आपके लिए बेहद जरूरी है, देखिए। इस वक्त हम दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में मौजूद हैं और कमोवेश रोज की जो स्थिति रहती है आज भी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि एक शख्स जो है वो बेसुध हालत में पड़ा हुआ है, इसे ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, कोरोना का ये मरीज है। और यहाँ अस्पताल में एंट्री इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि अस्पताल ये कह रहा है कि बेड्स जो है वो नहीं है, इसलिए हम एडमिशन नहीं सकते हैं। कौन है आपके ये? मौसा जी है मेरे। मौसा, क्या दिक्कत है इनको? इनको कोरोना हुआ पड़ा है, पॉजिटिव है। अच्छा, सांस नहीं आ रही? सांस नहीं आ रही, इनको चाहिए ऑक्सीजन चाहिए। अस्पताल गए तो क्या था, वहाँ पे भेज दिए हैं, यहाँ पे कर दिया। हाँ, वापस कर दिए हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कह रहे हैं वाले की? कल ऑक्सीजन नहीं मिला था मेरी खुद, वो बहुत छोटी वाली खत्म हो गई। अच्छा, कल से बॉडी नहीं मिली, अब कह रहे हैं क्या देंगे, कब देंगे। क्या अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ दिया? अंदर ही, यहाँ पे कागज बनवाने से पहले तोड़ दिया था दम उसने। तो देखिए कल इनकी जो ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे काफी लोग देखे मैंने मरते हुए, ऑटो में आते हुए लाश की लाश चली जा रही है। तो ये रोज की स्थिति हो गई है डीडीओ हॉस्पिटल के बाहर, मना कर देते डॉक्टर लोग वगैरह। क्या ऑक्सीजन नहीं है कि बेड्स नहीं है? बेड भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं, मना कर देते हैं, बंदा बाहर से तड़पता हुआ मर जाता है। तो ये आप देख सकते हैं शख्स यहाँ बेसुध हालत में पड़ा हुआ है और कमोवेश जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो स्थिति वही रहती है, दिल दहलाने वाली। तो लगातार जो है बेड्स की कमी से अस्पताल तो जूझ ही रहा है और कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन भी अस्पताल प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है। ये जो शख्स, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या दिक्कत है आपको? सांस नहीं आ रहा। ये देखिए बेसुध हालत में ये शख्स है, बोल भी नहीं पा रहा है क्योंकि सांस नहीं आ रही, कोविड का मरीज है। तो ये स्थिति है दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल की। कांग्रेस रोज की स्थिति जो है वो एक जैसी दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ सुमित कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत से हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली के बदरपुर में वैभव ऑक्सीजन सेंटर के बाहर सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई हैं। यहां तक कि एम्बुलेंस भी कई घंटों से इंतजार कर रही है कि सिलेंडर का इंतजाम किसी तरीके से हो जाए। रात से ही लोग यहां खड़े, हालांकि लोगों को उम्मीद है कि वो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। हमारे सहयोगी हर्षा चंदवानी की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जहाँ एक तरफ दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ जो ऑक्सीजन रिफिल सेंटर्स हैं वहां पर भी आप लोगों की लंबी लाइनें देखेंगे, कतार देखेंगे और साथ ही साथ एम्बुलेंसेस की लंबी कतार भी आपको नजर आएगी। तस्वीर में आपको दिखा रही हूँ बदरपुर के वैभव ऑक्सीजन गैस एजेंसी सेंटर की, जहाँ पे और रिफिल सेंटर के बाहर जो भीड़ है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की तस्वीर है वो आपको साफ तौर से नजर आएगी। यहाँ की तस्वीर इसलिए भी दिखाना जरूरी है क्योंकि दिल्ली में केवल अस्पताल में ही नहीं बल्कि रिफिल सेंटर्स के बाहर भी लोग बेहद परेशान हैं। ये तस्वीर इसलिए क्योंकि लोगों को सिलेंडर्स नहीं मिल रहे, सिलेंडर्स मिल रहे हैं तो कोई रिफिल नहीं हो पा रहे हैं। और आज की तारीख में मार्केट में काला बाजारी इस कदर हो रही है कि जिस सिलेंडर का कॉस्ट 10,000 है उस सिलेंडर को मार्केट में 50,000, 60,000 और कई जगहों पे 1-1.5 लाख के भी बेचे गए हैं। कब से इंतजार कर रहे हैं? सुबह 3 बजे से। और यहाँ सिचुएशन क्या लग रही है और कितनी जगहों पे भटकने के बाद यहाँ पहुँचे? ये मोटा मोटी हम लोगों ने 10-12 जगह इंतजाम किए, कहीं हुआ नहीं। अभी लग रहा है नंबर आ जाएगा खुलते ही? नहीं, यहाँ बोला गया है कि नंबर तो आ जाता है। हाँ, टाइम कितना लगेगा वो नहीं बता सकते। सुबह 5 बजे आए थे हम। सर आप कहाँ से आए? ये एम्बुलेंस है हमारी। अच्छा, एम्बुलेंस कौन से अस्पताल की? 102 की एम्बुलेंस है ये। ओके, कितने सिलेंडर है रिफिल के लिए? एक सिलेंडर लेकर आया हूँ मैं, आप देख सकते हो, और वो भी थोड़ा मिलना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो आपके पास कितने सिलेंडर है, कितने सिलेंडर की रिफिल के लिए पहुँचे? एक सिलेंडर है हमारे पास, वही भरता है डेली। आपको लग रहा है कि यहाँ पे टाइम से रिफिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी? क्योंकि दिल्ली में कई रिफिल सेंटर्स बंद हो चुके हैं, कईयों के पास है ही नहीं। नहीं मैम, टाइम से भर जाता है यहाँ पे आके। आप कितने रिफिल सेंटर्स में चक्कर लगा चुके हैं? दिल्ली में रिफिल सेंटर्स की स्थिति क्या नजर आती है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग तो ज्यादा भटक रहे हैं सिलेंडर्स लेकर? हम मायापुरी गए, वहाँ तो अभी अलाउड नहीं है, वहाँ पर अभी बंद कर दिया गया पब्लिक के लिए, तो इसलिए अभी यहाँ पे आना पड़ा है। दूसरी बार आए तो यहाँ थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, बट लेकिन मिल जाता है इधर। तो सर दिल्ली में तमाम रिफिल सेंटर्स का क्या हाल है फिलहाल? सब जगह बंद है मैम, बस बताते हैं, फोन करते हैं तो फोन नहीं उठा रहे। जहाँ जहाँ के नंबर दिए हुए हैं वेबसाइट पे नंबर मिल रहे हैं, आधे आधे नंबर बंद है, कोई फोन नहीं उठा रहा है।
कोई रिप्लाई नहीं। कोई हॉस्पिटल भी लेने को रेडी नहीं है क्योंकि किसी के पास बेड नहीं है। अगर हम उनको कह रहे हैं आपके पास बेड नहीं है चलेगा, सिर्फ ऑक्सीजन दीजिए, हम पेशेंट को नीचे लेटा लेंगे, चेयर में बिठा लेंगे। हॉस्पिटल का प्रेस्टीज का प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल नीचे लेटाने को रेडी नहीं है बट पेशेंट को मारने के लिए रेडी है। हॉस्पिटल को अपनी प्रेस्टीज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इधर इंसानियत मर चुकी, ना ही पॉलिटिशियनों में इंसानियत है, ना ही डॉक्टरों में है, ना ही किसी हॉस्पिटल में है। अगर किसी को कमाना है तो वो है पैसा। ये तस्वीर है बदरपुर के वैभव ऑक्सीजन रिफिल सेंटर की, जहाँ की मैं हम आपको दिखा रहे हैं। लंबी कतारें, सुरक्षा व्यवस्था, लोगों की कतारें, परेशान लोग, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि कई जगहों से भटक करके यहाँ पर पहुँचे हैं। थोड़ा समय लगेगा, 14-12 घंटा, क्योंकि लोग ऑलरेडी 4 घंटे से 5 घंटे से 8 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं। लोगों को उम्मीद ज़रूर है कि यहाँ पर थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन ऑक्सीजन मिलेगी ज़रूर अपने परिजन के लिए, अपने मरीज के लिए। यहाँ से ऑक्सीजन ज़रूर लेकर के जाएंगे। वीरू चंद्र शेर सिंह के साथ हर्षद अनवानी, जी मीडिया।